तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो नई सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुई है थ्रेड्स, उस पर आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं और हम इस पर वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, हम अपने फॉलोवर्स को कैसे इंक्रीज करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आगे चल के आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है इनमें आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। अब चाहे वो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, यानी कि सभी सोशल मीडिया एप्स, इन सभी के ओनर ये चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग विजिट करें और इसीलिए जो इन सभी प्लेटफॉर्मों के मालिक हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्मों पे नए नए फीचर्स लाते रहते हैं जिससे कि ऑडियंस उनके प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। और आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि जो अभी समय चल रहा है वो चल रहा है शॉर्ट्स का, यानी कि रील्स का। और इन्हीं सोशल मीडिया की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने एक और सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दिए जिसका नाम उन्होंने रखा है थ्रेड्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये थ्रेड्स एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल फोन पर बिल्कुल ट्विटर के जैसे चलने वाला है। और अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो इसके फीचर्स भी आपको ट्विटर के जैसे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको वहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको वहाँ पर सेटिंग के नीचे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा थ्रेड्स। आपको थ्रेड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको गेट थ्रेड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट थ्रेड्स पर क्लिक करेंगे ये आपको प्ले स्टोर पर पहुँचा देगा जहाँ से आप इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में थ्रेड्स एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे आप थ्रेड्स एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे ये आपके इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल से इसको इंस्टाग्राम से लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो भी आपने इंस्टाग्राम पर अपने बायो में लिख रखा है वैसा ही आप सेम टू सेम थ्रेड्स एप्लीकेशन के बायो में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो भी इंस्टाग्राम में बायो लिखा हुआ है वैसा ही आपको सेम टू सेम थ्रेड्स के बायो में लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप इन लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपल से फॉलो पर क्लिक करना है और फॉलो पर क्लिक करते चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन थ्रेड्स कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन थ्रेड्स पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है और आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। तो जिन जिन लोगों को आपने यहाँ पर फॉलो किया है वो जितने भी थ्रेड्स करेंगे यानी कि जितने भी वीडियो डालेंगे वो सभी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं कि आप अपने फॉलोवर्स को तेजी से इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थ्रेड्स एप्लीकेशन है वो अभी नई एप्लीकेशन है, तो जो ऑडियंस है वो अभी इस पर तेजी से अकाउंट बना रही है। तो जो भी लोग अभी थ्रेड्स पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं उन सभी लोगों के फॉलोवर्स अभी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप भी अपने फॉलोवर्स को तेजी से इंक्रीज करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इसका मोनेटाइजेशन फीचर्स आएगा तब जिन लोगों के ज्यादा फॉलोवर्स होंगे उन लोगों के ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो दोस्तों आप भी जल्दी से अपना अकाउंट बनाकर इस पर अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेव करें, क्योंकि इस प्रकार के YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेटों की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके।